नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार कैरी हिंदी न्यूज चैनल में। और इस समय मैं मौजूद हूँ दादा बूढ़ा मंदिर के पवित्र प्रांगण में। जी हाँ दोस्तों, मेरे साथ एक युवा समाज सेवी है, भाई गोपाल डागर उजवा, जो प्रतिवर्ष यहाँ पर दादा बूढ़ा की स्मृति में यहाँ पर एक विशालकाय भंडारे का आयोजन करते हैं। और बाबा की असीम कृपया से लगभग 8-9 साल से यह परंपरा चली आ रही है, जब से बाबा दादा बूढ़े का ये मंदिर प्रांगण में मेला आयोजित किया जाता है, भाई गोपाल डागर और तमाम जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और गोपाल डागर के सौजन्य से यहाँ विशालकाय भंडारे का आयोजन किया जाता रहा है। आपको बता दें कि दादा बूढ़ा के प्रति जो आस्था है, जो करुणा है, जो श्रद्धा भक्ति का भाव है, वो यहाँ के युवाओं में देखने को मिलता है। यहाँ के युवा एकत्रित होकर के जिस तरह से पूरा इंतजाम करते हैं और यहाँ दादा बूढ़ा के इस परिसर में लाखों लोग पहुँचते हैं और सबके लिए यहाँ पर भंडारे की व्यवस्था की जाती है, उत्साही युवा समाज सेवी भाई गोपाल डागर से। तो ये बात करते हैं गोपाल डागर से और जानते हैं दादा बूढ़ा की कृपा का कितना असर है। स्वागत है गोपाल भाई समाचार कैरी में। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। सबसे पहले आपको, सभी नजरगढ़ वासियों को दादा बूढ़े की भादवे की नौज की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही पुण्य का दिन है आज का दिन। इस इलाके में जो है इससे बड़ा दिन कोई है ही नहीं। बिल्कुल, जितने भी ग्रामवासी इस दिन है वो सभी काम धाम छोड़ के अपने यहाँ माथा टेकने आते हैं, दादा से आशीर्वाद लेके जाते हैं और अपना कुछ ना कुछ दान पुण्य करते हैं। गोपाल भाई, पिछले 8-9 साल से मैं भी लगातार देख रहा हूँ कि आप यहाँ पर मौजूद रहते हैं, एक दिन पहले ही आप यहाँ पर पहुँच जाते हैं और एक विशालकाय भंडारा जो अल सुबह है, मुझे लगता है कि 6-7 बजे शुरू हो जाता है और देर रात 9 बजे तक चलता है, तो ये बाबा की कृपा है। संजय भाई, ये सब का सब है ना, दादा गढ़ोई का है, दादा बूढ़े का है। अब हम तो बीच में माध्यम है बस, और इस माध्यम के अलावा हम कुछ भी नहीं। जो कुछ भी दिया हुआ है सब वहीं से आता है और वहीं देना है। बहुत अच्छे, आपने देखा कि युवा समाज सेवी है हमारे छोटे भाई गोपाल डागर, जो लगातार यहाँ पर अपनी भावना को प्रकट कर रहे हैं और बाबा की सेवा में स्वयं अपने परिवार के साथ और अपने सहयोगी साथियों के साथ लगातार सेवा में तत्पर नजर आ रहे हैं। जी भाई है गुरु कौशिक जी, जी डासा गाँव से गुड़गांव रहते हैं जी, ये भी हमारे कंधे से कंधा मिला के पिछले 7-8 सालों से साथ में बन रहा है। बहुत बढ़िया। वरुण भाई, आपका भी स्वागत है समाचार कैरी में। नमस्कार संजय जी। नमस्कार जी। संजय जी, हम लोग भंडारा करते हैं यहाँ पे दादा बूढ़े में, गांव डासा में। गोपाल भाई भी हैं, मैं भी हूँ। पिछले 7 साल से हम लोग भंडारा कर रहे हैं और जैसे कि हमारे सारे भाई यहाँ पे मिलजुल के, हमारा अपना कोई काम नहीं होता यहाँ पे, हम तो आराम से बैठते हैं, सारे भाई मिलके हमारा साथ देते हैं और बढ़िया भंडारे को पूर्ण रूप से समाप्त कराते हैं, बहुत बढ़िया होता है जी। और देखिए, जिस तरह से यहाँ युवाओं की आस्था, युवाओं की श्रद्धा भक्ति का केंद्र बना यह दादा बूढ़ा का पवित्र प्रांगण, इस समय हम ढासा गांव में मौजूद हैं। और जैसा कि वरुण भाई ने बताया है, गोपाल भाई ने बताया है कि पिछले 7-8 साल से लगातार ये यहाँ पर असीमित, जी हाँ, एक भंडारा होता है जिसका समय निर्धारित होता है, लेकिन मुझे लगता है कि दादा बूढ़ा में लगने वाला यह भंडारा जिसका कोई समय निर्धारित नहीं है, अल सुबह शुरू हुआ यह भंडारा, देर रात तक कितने बजे तक, जब तक दादा चाहेगा, दादा क्या आशीर्वाद रहेगा, मतलब तो अमूमन देर रात हो ही जाती है, 8-9 बज जाते हैं। तो गोपाल भाई, क्या मैसेज देंगे आप, क्या कहेंगे, दादा बूढ़ा की बड़ी कृपा है आप लोगों पर और इस पूरे डागर क्षेत्र पर, मैं कहूँगा नजफगढ़ क्षेत्र पर दादा की कृपा है। देखिए संजय जी, सबसे बड़ा मैसेज क्या है, जैसे भाई ने बताया, हम सभी भाई बैठे आस पास के गाँव को, हम तो माध्यम, आप देखेंगे ना जितने भाई है, बिल्कुल सब कोई भाषा, उनको ये नहीं है भंडारा किसका, गोपाल का या वरुण का, बहुत बढ़िया, जितना भी सामान बांटा है सबका, सभी भाइयों ने बांटा, समस्तपुर से भी है, मलिकपुर से भी भाई बैठे हैं, अपना उजवा से तो है ही जी। और यहाँ पे है ना, जो सामाजिक ताना बाना होता है, बिल्कुल, वो साल में एक इतना मजबूत हो जाता है, कुछ लोग राजनीतिक लोग हमें फूटपाट डालते रहते, एक साल का उनका टाइम होता है, या एक दिन ऐसा होता है, वो जितनी भी थोड़ी मोड़ी भी होती है, वैसे होती नहीं है समाज में, वो यहाँ आके हम सब एक हो जाते, भाई हम 500 भाई एक, इससे जब 500 एक है तो हमसे बड़ी कोई ताकत ही नहीं है। जी हाँ, आपने देखा कि एकता, सामाजिक समरसता और भाईचारे का अनूठा मिसाल कायम करता हुआ यह विशालकाय दादा बूढ़ा मंदिर में लगने वाला मेला और भंडारा समाज में एक संदेश देता है, आपसी एकता का, आपसी भाईचारे का, प्रेम का, सौहार्द का,
और इस तरह के जो आयोजन होते हैं वो समाज में एक बड़ा मैसेज दे करके जाते हैं। छत्तीस बिरादरी के लोग और आपसी भाईचारा, दूर दराज से हरियाणा तलक से भी लोग यहाँ पहुँचते हैं, और आसपास के दिल्ली की मैं बात करूँ या जहाँ जहाँ दादा बुद्धा की मान्यता है, चाहे वो मिंडकोला में डागर खाप की मैं बात करूँ, हमारे साथ उजवा से राज सिंह डागर जी है, राजे डागर जी है, जो लगातार यहाँ पर कंधे से कंधा मिला करके सेवा में नजर आते हैं। क्या कहेंगे इस भंडारे को लेकर? संजय जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आप ये इलाके की सारी बातें हमारी पहुँचा जी, और ये एक प्रेरणा है गोपाल भाई, युवाओं के लिए एक ऐसी प्रेरणा है कि हर साल यहाँ भंडारे का आयोजन होता है और अपने दादाजी की पुण्यतिथि भी हर साल लगातार मना रहे हैं, जिसमें एक भाईचारा कायम होता है और जितने भी युवा साथी हैं उनको एक संदेश मिलता है और सारे मिलके इस भंडारे में भी और पुण्यतिथि पर भी एक भाईचारे को ऐसे निभाते हैं जैसे एक परिवार हो, एक घर हो, एक समाज में एक बच्चों के लिए बहुत ही सराहनीय काम है। और मैं गोपाल भाई से यही अनुरोध करूंगा कि जो भाईचारा आपने बनाया है वो हमेशा भगवान आप पे कृपा रखे, ऐसे ही भाईचारा बना रहे। बिल्कुल, समाज में जो इस तरह के सेवा के कार्य करते हैं, दादा बूढ़ा की कृपा उन पर बरसती है और परमात्मा उनको आशीष प्रदान करते हैं, और वो इसी तरह समाज को जोड़ने का, समाज को एक जगह एकत्रित करने का और एक बेहतर संदेश देने का कार्य करते हैं समाज के युवा। संदीप डागर भी हमारे साथ है, क्या कहेंगे संदीप जी संक्षेप में? पहले तो आप सभी को दादा बूढ़े की वार्षिक महोत्सव पर हार्दिक बधाई जी। और ये एक मेला है सभी का और इसमें सब मिलजुल कर काम करते हैं, और ये गोपाल भाई पूरी अपनी से लगन से इस भंडारे को आयोजन करते हैं और सभी भाई इसको जो है ना इसको अंतिम रूप देते हैं सब। बहुत बढ़िया। और देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा, हमारे सोनू बेनीवाल जी हैं जो हरियाणा से हैं, भाई साबे हैं ईसापुर से हैं, सचिन हैं, महाराज जी भी हमारे बीच में पहुंचे हैं, तमाम जो साथी हैं जैसा कि वरुण कौशिक जी हैं, भाई मलकपुर से हैं हमारे साथी हैं, तमाम जो लोग इस समय मुझे यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि पिछले 8 साल से यह परंपरा चली आ रही है, और जैसा कि राव सिंह डागर जी ने बताया है कि गोपाल जो युवा समाज सेवी है वो अपने पूर्वजों के सम्मान में, अपने दादाजी की स्मृति में भी प्रतिवर्ष एक ऐसा आयोजन करते है जो समाज में भाईचारे की मिसाल प्रस्तुत करता आपको नजर आएगा। भाई साहब सिंह डागर जी भी है हमारे युवा साथी ईसापुर से, आइए उनसे जान लेते हैं बाबा बूढ़ा की, दादा बूढ़ा की कितनी कृपा यहाँ बरस रही है। जी राम राम। राम राम जी। जी वरुण भाई, गोपाल डागर भाई दोनों एक करीबन 7-8 साल से भंडारा कर रहे लगा जी, जी। आप भी हर साल आते देखते हैं, मेरे ख्याल से 25-30 हजार आदमी को खाना खाते हुए। बहुत बढ़िया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हर साल इतना बड़ा भंडारे का आयोजन करना, उसको संभालना, सभी भाईचारे की एकता के कारण वो सब हो पाता है, अकेला आदमी तो नहीं कर सकता, तो दादा बूढ़ा की कृपा है। मैं तो भाइयों दोनों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि ये इतना अच्छा आयोजन कर रहे हैं, हर साल ऐसे ही परमात्मा इनको ऊर्जा दे, दादा बूढ़े की कृपा से और भी अच्छा आयोजन ये करें भंडारे का जी। क्या कहेंगे भाई साहब आज इस आयोजन में आपको कैसा लग रहा है? पहले तो मैं आपका स्वागत करूंगा कि आप यहाँ आए और हमारे दादा बूढ़े का आशीर्वाद आप पे भी बना रहे जी। और हम सब पे बना रहे हैं। अब जैसे गोपाल डागर है, भाई युवा है हमारे, इनसे हमें प्रेरणा मिलती है, और ये जो भंडारे का आयोजन ये कर रहे हैं, मैं तो ये कहूंगा कि इनकी तरक्की दिन रात चौगुनी हो और ऐसे ही फलीभूत होते रहे ये, और हर साल ये भंडारा ऐसे ही लगता रहे, ऐसे ही हमारे साथी इसमें सहयोग करते रहे, और आप भी हर साल आके ये प्रसाद ग्रहण करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और देखिए आप तमाम जो युवा साथी हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, यहाँ पर भाई गोपाल डागर की कार्यशैली की प्रशंसा की जा रही है, समाज को जोड़ने की जो मुहिम इन्होंने शुरू की है, वो जो मुहिम है वो निश्चित तौर से एक दिन असर दिखाएगी और समाज के जो युवा साथी हैं उनको प्रेरित करेगी। सचिन एक युवा साथी है, उनसे भी बात करेंगे, क्या कहेंगे सचिन? भाई संजय, सबसे पहले 57 सभी छतरवासियों को और भाई गोपाल डागर 8-9 साल से भंडारा कर रहे हैं, भाई वरुण भी साथ में कर रहे हैं, तो आप भीड़ को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका कितना सक्षम रहा है भंडारा, और भगवान करे ऐसे भंडारा करते रहें और ऐसी खुशी आती है जी। क्या कहेंगे आज के आयोजन को लेकर के, कैसा लग रहा है? देखो जी, ये सभी युवा मिलके बहुत बढ़िया यहाँ पर एक भंडारे का आयोजन करते हैं, और ये युवा शक्ति अपने किसी भी उद्देश्य को पूर्ण कर सकती है अगर ये ऐसे ही एकजुट रहे जी। महाराज जी क्या कहेंगे, आप लगातार इस संस्था से जुड़े रहे हैं? मेरे को काफी समय हो गया, मैं पहले भी कह चुका हूँ जी, और भंडारे की व्यवस्था कई बार हुई है छोटे छोटे टुकड़ों में, और कमेटी की तरफ से एक संस्था बनी हुई है, उनका भी प्रसाद लगता है,
लेकिन काफी समय से एक विशाल भंडारे का आयोजन की व्यवस्था जो चल रही थी और उसी की वजह से ये पंडाल भी बनाई, ये जगह है जो सिर्फ ये भंडारे के लिए बनाई गई है और इसमें ये सभी भाई आस पड़ोस के हैं, दूर दराज के हैं और भंडारे का तो साधु समाज भी बहुत ज्यादा आया। जी हाँ, साधु समाज, जी हाँ, हमारा जो समाज है वो साधु संतों से मिलकर के बना है और एक ऐसे युवा साथी है जो लगातार यहाँ दादा बूढ़ा मंदिर ढासा में वॉलंटियर की भूमिका निभा रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे, क्या कहेंगे? हम तो जी दादा बूढ़ा मंदिर कमेटी के सेवक है, हमसे जो आदेश दादा बूढ़ा देते हैं हमारे ग्राम देवता, हम उसका पालन करते हैं। लेकिन इस पर्व पर ज्यादा कुछ नहीं, तो हमारी सभी भाइयों से मुलाकात हो जाती है, एक महीना अपने गाँव के चारों तरफ से लड़के जो अपने यूथ कमेटी है उनके सभी सदस्य आते हैं, तो हमारे दादा बूढ़ा मंदिर में जितना साफ सफाई का काम है और डेकोरेशन वगैरह जो अपनी आज की रणनीति महोत्सव के दिन की वो रणनीति अपनी तय करते हैं और अपने गोपाल भाई है, गोपाल भाई का हम दिल से साधन मानते हैं, भाई हमारा दिल से साधन मानते हैं। धन्यवाद धन्यवाद।